नमस्कार दोस्तों, आज हम संविधान के उस अध्याय की चर्चा करेंगे जिसकी नीतियां इस संपूर्ण देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। उस अध्याय का नाम है DPSP, या हिंदी में कहें राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होता है? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका योगदान क्या है, इसकी भूमिका क्या है? आखिर इस अध्याय का, इस भाग का संविधान में इतनी आवश्यकता क्यों है? आइए सबसे पहले कुछ तथ्यात्मक चीजों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसका उल्लेख भारत संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, और ये प्रावधान जो हमने अपने संविधान में समाहित किया है वो लिया है आयरलैंड के संविधान से। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि आयरलैंड ने भी इसे स्पेन के संविधान से अधिग्रहित किया था, स्पेन के संविधान से इसे लिया था। तो ये वो फैक्चुअल चीजें हैं जो डीपीएसपी को लेकर के, राज्य के नीति निदेशक तत्व को लेकर के परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, इनके लेकर के सीधे सीधे सवाल बनते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछूं कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं, तो आप बोलेंगे बस राज्य के लिए कुछ गाइडलाइन है। आखिर है क्या ये चीज? आइए सबसे पहले हम इस पे चर्चा करते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, आप तीन दोस्त हैं, सबके पास 100 100 रुपए हैं, तब अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उस 100 रुपए को खर्च करना है। तो किसी के पास पहले से सारी चीजें घर में रखी हुई हैं तो शायद वो 100 रुपए को कहीं भी उड़ाएगा। किसी के पास घर में चावल दाल आटा कम हो तो वो शायद 100 रुपए से वो चावल दाल आटा खरीदे। और तीसरा, जिसके पास कुछ नहीं है, ना चावल है, ना दाल है, ना खरीदने के लिए किताबें हैं, तो वो 100 रुपए से अपने वो मूलभूत चीजों को खर्च करेगा। यही भूमिका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज की है। तो देखिए क्या होता है, इसे हम समझते हैं। जब राज्य को अपनी नीतियों का निर्माण करना होता है, इस राष्ट्र को नीतियों का निर्माण करना होता है, तो वो कौन कौन सी मूलभूत चीजें होंगी जिनके ऊपर हम कानून बना के इस देश का विकास कर सकते हैं? तभी तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के रूप में इंगित किया जाता है। लोक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट। क्यों वेलफेयर स्टेट ही क्यों? क्योंकि इस डायरेक्टरी प्रिंसिपल में एक गाइडलाइन है राज्यों के लिए, इस देश के लिए, कि कुछ पॉलिसीज हैं जो आपको विधि बनाते वक्त इसका ध्यान रखना होगा। ये वो तथ्य हैं, 36 से, अनुच्छेद 36 से 51 तक में वो सारे बिंदु दिए गए हैं जिस पर आपको कानून बनाना है, या फिर जब आप कानून बना रहे होंगे तो आपको इस पर ध्यान देना है। ये मूलभूत विषय हैं जिस पर आपको कानून बनाते समय ध्यान देना होगा। अगर आप इन विषयों पर कानून बनाते हैं तो इस राष्ट्र का, इस राज्य का विकास जरूर होगा। तभी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को वेलफेयर ऑफ स्टेट कहा जाता है। तो आप देखेंगे कि मुख्यतः जो अनुच्छेद 36 है उसमें तो राज्य की परिभाषा दी गई है जो हमें नहीं देखना, क्योंकि जब हम मूल अधिकार पढ़ेंगे, मूल अधिकार वाले चैप्टर के अनुच्छेद 12 में देखेंगे, तो यह राज्य वही है जो यहां 36 में दिया गया है। अब सवाल उठता है अनुच्छेद 37 क्या है। अनुच्छेद 37, अब मैंने कहा ना आपको, मैंने जो 100 रुपए दिए हैं हर एक व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार उसका प्रयोग करेगा। अब अगर अनुच्छेद 37 कहता है कि डीपीएसपी को, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आप जुडिशियरी के थ्रू, यानी कि न्यायपालिका के थ्रू इसका क्रियान्वयन नहीं करवा सकते, सीधा सीधा कह गया है कि भैया देखो ऐसा है, ये जो प्रावधान दिए गए हैं ना,
कि राज को अपनी नीतियां बनाते समय इनका ध्यान रखना होगा, इनका ध्यान रखना होगा। आप उन नीतियों को कानून के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा फोर्सफुली इन्फोर्स नहीं करवा सकते, कानूनी रूप से लागू नहीं करवा सकते। ये पहले ही मना कर दिया है। जैसे आपने कहानी सुनी होगी, एक लाइन सुनी होगी, जिसकी जैसी शक्ति उसकी वैसी भक्ति। हर राज्य के पास अपने सीमित संसाधन है। अगर हर एक व्यक्ति बोलेंगे कि भैया देखो डीपीएसपी में तो ये लिखा है, तुम कानून क्यों नहीं बना रहे इस पे, बनाओ वरना हम जा रहे हैं न्यायपालिका। हर एक राज्य अपने संसाधनों से सीमित है, ये संविधान निर्माता जानते थे पहले से, इसलिए उन्होंने पहले ही कह दिया इट इज नॉट जस्टिकेबल लाइक अ फंडामेंटल ड्यूटीज। जैसे मूल कर्तव्य विधि के द्वारा आप उसको इन्फोर्स नहीं करा सकते, उसी तरीके से डीपीएसपी को भी आप कानून के द्वारा लागू नहीं करा सकते, क्योंकि हर एक राज्यों के पास अपने सीमित संसाधन हैं। तो ये तो समझ में आ गया अनुच्छेद 37, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डीपीएसपी को कानून के द्वारा आप लागू नहीं करवा सकते, ठीक है। अब अनुच्छेद 38 क्या कहता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अनुच्छेद 38 कहता है लोक कल्याण की उन्नति के लिए राज्य सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। लोक कल्याण के उन्नति के लिए सामाजिक व्यवस्था, इसका बड़ा अच्छा सा उदाहरण है लोक कल्याण की उन्नति के लिए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण। आप सबने योजना आयोग का नाम सुना होगा, जो वर्तमान में नीति आयोग अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जिसको कहते हैं। योजना आयोग का गठन किस लिए किया गया था, इसी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कि किसी राज्य को क्या आवश्यकता है, इसीलिए तो योजना आयोग का गठन किया गया था। और योजना आयोग का गठन इसी अनुच्छेद 38 के माध्यम से किया गया था, लोक कल्याण की उन्नति के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाने का कार्य राज्य करेगी। और सरकार ने इसी के लिए योजना आयोग का निर्माण किया, कहा यह योजना आयोग उन नीतियों पे हमें सलाह देगी जो राज्य के विकास के लिए जरूरी होगा, ठीक है। यह तो रहा अनुच्छेद 38। अब सवाल उठता है अनुच्छेद 39 पे, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 39 कहता है राज्य के द्वारा कुछ नीतियां बनाई जाएंगी, अब इसी में बहुत सारी चीजें आती हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन, इसी में यह भी आता है कि जो राज्य है जीविका के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएगा, यानी जीविकोपार्जन के लिए आपके काम के लिए रोजगार के अवसर भी देगा, रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगा। ऐसे करके 39 में बहुत सारी चीजों का प्रावधान दिया गया है। अच्छा एक बात बताइए, अनुच्छेद 39 की जो भाषा है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक, कुछ प्रावधान कि राज्य ये चीजें बनाएगा। अब बताइए रोजगार के अवसर में आपको याद होगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम, 100 दिन का रोजगार, ये कहां से मिला आपको, ये इस यहीं से मिला, समान कार्य के लिए समान वेतन। इस पे अभी बात चल रही है कि सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी जिसमें समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था दी जाएगी, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है रोजगार के अवसर, तो महात्मा गांधी जिसको इन शॉर्ट फॉर्म में मनरेगा कहते हैं, ये क्या है, ये यही तो है रोजगार के अवसर प्रदान करना। ये सरकार को डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए, ताकि गांव के समाज के उन लोगों को भी रोजगार मिल सके जो इन चीज से पीछे उतर गए। इसी में एक नया अनुच्छेद है, अनुच्छेद 39 को मुफ्त विधिक सहायता, जिसको 1976 में, या यूं इसको थोड़ा क्लीन कर लूं, अनुच्छेद 39 को जिसको कहते हैं फ्री
लीगल एड, जो कि 1976 के 42वें संविधान संशोधन से ऐड हुआ। अब आप जाएं किसी भी राज्य के कोर्ट में जाएं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएं, आपको वहां पे लीगल सर्विस अथॉरिटी वाले मिलेंगे, कहना आप जब बताएंगे कि आप सक्षम नहीं हैं एक अधिवक्ता को हायर कर सकने में, आपके पास पर्याप्त धनराशि नहीं है, आपको न्याय से सिर्फ इसलिए वंचित नहीं किया जाएगा कि आपके पास पर्याप्त धनराशि नहीं है, क्योंकि कानून की दृष्टि में हर एक व्यक्ति समान है। तो ये प्रावधान जोड़ करके, ये व्यवस्था की गई 39 को जोड़ करके, क्योंकि कानून की दृष्टि में हर एक व्यक्ति समान हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, हम हर एक व्यक्ति विशेष को कानूनी दृष्टिकोण से समानता के अधिकार से देखेंगे। अगर एक व्यक्ति गरीब है और वो अधिवक्ता की सहायता नहीं ले सकता, तो हम उन्हें मुफ्त में ये व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे, हम उन्हें मुफ्त में ये व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। तो इसीलिए फ्री लीगल एड ये व्यवस्था 1976 में सरकार के द्वारा जोड़ दी गई। उसके बाद अगला जो आता है वो आता है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कहता है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, ये कहता है ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन। अब एक बात बताइए, ये तो कह देता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये कहते हैं कि सरकार का काम है ग्राम पंचायतों का गठन। अब ये प्रावधान तो है डीपीएसपी में, लेकिन मैंने आपको अनुच्छेद 37 बताया था कि इसको न्यायपालिका के द्वारा क्रियान्वित नहीं करवा सकते हैं, इनफोर्स नहीं करा सकते हैं। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि कैसे 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन 1993 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन किस चीज के लिए हुआ था? 73वां हुआ था पंचायती राज के लिए और 74वां हुआ था नगर पालिका के लिए, अगर आपको याद हो तो, जिसके लिए एक अलग से अनुच्छेद बनाया गया है 243A से लेकर के ओ तक पंचायती, 243P से जेड जी तक नगर पालिका। यानी कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन जो कि 1993 में किया गया, पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका की व्यवस्था, और इस संशोधन के द्वारा एक नया आर्टिकल 243A से ओ पंचायती, पी से जेड जी नगर पालिका जोड़ा गया। लेकिन यह शक्ति कहां से मिली? अनुच्छेद 40 से, क्योंकि अनुच्छेद 40 ही कहता है ग्राम पंचायतों का गठन जरूरी है और सरकार ने कर दिया। अब आता है अनुच्छेद 41 का प्रावधान, अनुच्छेद 41 का प्रावधान। ये जो पूरा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, कैसे सरकार को एक फ्रेमवर्क दे रहा है, एक गाइडलाइन दे रहा है कि आपको विधि बनाते समय इन चीजों का ध्यान देना चाहिए। अच्छा, अब अनुच्छेद 41 क्या कहता है? अनुच्छेद 41 कहता है कि कुछ मामलों में काम करने, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, ठीक है, कुछ मामलों में काम करने और शिक्षा और लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार, यह पब्लिक असिस्टेंस की बात करता है, लोक सहायता की बात करता है, क्योंकि यह मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि राज्य कुछ मामलों में कहता है कि शिक्षा और लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है, ठीक है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें वो है अनुच्छेद 42, क्योंकि 41 के जस्ट बाद 42 का प्रावधान है, काम की न्याय तथा मानवोचित दशाओं का उपबंध करना। मान लीजिए कि आप एक महिला है, उसको चाहिए मैटरनिटी बेनिफिट,
यानी कि मेटर्नी जो मेटर्निटी बेनिफिट मातृत्व का लाभ है वो महिलाओं को कैसे मिलेगा। आपको पता होगा कि मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट को लेकर के कानून बनाए गए हैं इस देश में। जो मातृत्व है, जो भी महिला गर्भ धारण करती है उसके लिए उसका अवकाश का प्रावधान, इवन जिस विभाग में वो काम करेंगे उसके लिए क्रैच, जहां पे छोटे बच्चों को उस बच्चों को रखा जाएगा उसका प्रावधान, ये अनुच्छेद 42 से ही आया है। यानी कि जब महिला गर्भ धारण करेंगी तो उसके लिए जो मातृत्व अवकाश का प्रावधान किया जाएगा वो अनुच्छेद 42 से किया जाएगा। और इस प्रकार के सवाल को मुख्यतः घुमा के पूछा जाता है, वो सीधे सीधे सवालों को नहीं पूछते हैं। वो पूछते हैं कि भारतीय संविधान में महिलाओं को जो मैटरनिटी बेनिफिट मातृत्व लाभ का जो प्रावधान दिया गया है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से प्रावधानित है। फिर आप क्या कहेंगे कि सर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 ये प्रावधान देता है कि उनके लिए प्रसूति की दशाओं में या फिर मैटरनिटी या गर्भधारण की दशा में उन्हें अवकाश दिया जाए, ये देता है 42। 43 क्या देता है, अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 43 कहता है निर्वाह मजदूरी, अगर एक छोटे शब्दों में कहें निर्वाह मजदूरी, यानी कि मिनिमम वेजेस एक्ट। आप अपने किसी घर के चौक चौराहे पे जाएं और आपको किसी लेबर को हायर करना है कि भैया चलो वहां पे काम करने चलना है, तो आपको पता चलेगा कि उस लेबर ने कहा भैया हम काम करने का लेंगे 600 रुपया प्रतिदिन। आपने कहा कि 600 रुपया कैसे, बोला भैया सरकारी रेट 600 ही चल रहा है। बोले 600 रेट किसने तय किया, तो अनुच्छेद 43 ये कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन यावन के लिए उसके काम के लिए एक न्यूनतम मजदूरी जरूर दी जाए, और वो जो न्यूनतम मजदूरी है निर्वाह का जो साधन है वो कम से कम एक धनराशि तय की जाए कि भैया इतना मिल जाएगा तो जीवन कट जाएगा। अब अनुच्छेद 43 यही कहता है कि भैया जो मिनिमम वेजेस एक्ट, सरकार ने इसी के आधार पर मिनिमम वेजेस एक्ट बनाया कि कम से कम इतनी मजदूरी तो मिल जाए कि जीवन निर्वाह हो सके। और यह शक्ति कहां से मिलती है, अनुच्छेद 43 से। उसी तरीके से अनुच्छेद 43 में बहुत सारे खंड भी जोड़े गए हैं जो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब सीधा जंप करेंगे अनुच्छेद 44 पर जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और आज के डेट में चर्चा का बहुत बड़ा कारण भी है। अनुच्छेद 44 क्या कहता है, यह कहता है इंग्लिश में UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड, और इंग्लिश में समान नागरिक संहिता। क्या है ये UCC, ये मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार और प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए यहां पे क्या शब्द लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड, मुख्यतः कानून दो तरीके के होते हैं, एक आपराधिक और एक सिविलवाद। आपराधिक वाद और सिविलवाद, आपराधिक वही हत्या मर्डर रेप इस तरीके के अपराध, इसीलिए। और यहां पे है नागरिक सिविल। आप जब कभी किसी कोर्ट में जाएं और उसे जब दंड मिल रहा होता है तो कभी भी न्यायमूर्ति को आप ये कहते नहीं सुनेंगे कि अरे आप तो इस धर्म विशेष जाति विशेष से हैं, आपको हम दंड कैसे दे दें। वहां पे सीधा लिखा हुआ है अगर कोई व्यक्ति अपराध कारित करता है तो उस अपराध के अंतर्गत वो दंड का भागी होगा, अर्थात कोई व्यक्ति, यानी कि आपराधिक विधि किसी भी प्रकार का भेदभाव धर्म जाति लिंग आधार पर नहीं करती। अगर वो कोई अपराधी है तो अपराधी होगा, लेकिन जब बात सिविल प्रकृति के बाद की आती है तो पता चलता है कि किसी धर्म विशेष में विवाह को लेकर के अलग कानून है, संपत्ति को लेकर के अलग कानून है। अगर आप हिंदू विधि को देखेंगे तो कहा जाता है कि अगर एक घर में चार बच्चे हैं
तो सबका संपत्ति पे बराबर का हक बनता है। कहा जाता है हिंदू विधि में कि बच्चे का जन्म लेते ही उसके पिता की संपत्ति में बराबर का हक बन जाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। ये सिविल वाद है। लेकिन अगर यही अब मुस्लिम विधि में जाएंगे तो मुस्लिम लॉ कहता है कि नहीं, हर एक व्यक्ति विशेष का अनुपात पहले से फिक्स है कि अगर ये बहू है तो इसे इतना अधिकार मिलेगा, अगर ये पुत्री है तो इसको इतना ही अधिकार मिलेगा। यानी कि वहां पर उनके अधिकार पहले से ही निर्धारित कर दिए गए। विवाह के संदर्भ में उनके अलग कानून है, विवाह विच्छेदन यानी डाइवोर्स को लेकर के अलग कानून है। तो सरकार ने कहा हम सीधा एक कानून बना के लाएंगे जो यूनिफॉर्म होगा, जो वर्तमान में सिर्फ इकलौता राज्य है गोवा जहां पे यूसीसी लागू है, अन्यथा भारत के किसी राज्य में नहीं है। और अनुच्छेद 44 इसी यूसीसी की बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। सिविल कोड का मतलब होता है सिविल लॉ से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी इक्वली होंगी, जैसे कि क्रिमिनल लॉ में होता है। अब एक सवाल आता है इसी में, अनुच्छेद 44 में यूसीसी को लेकर के, कि क्या यूसीसी एक धर्म संबंधित कोई कानून है या किसी धर्म विशेष को टारगेट करके किया गया है? तो यह बिल्कुल गलत है। सीधा लिखा हुआ है यूनिफॉर्म, यानी एक रूपता उस हरे कानून में। अगर आप हत्या करके जाते हैं, अगर आप सऊदी अरब के कानून से जाएंगे तो हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख, ऐसा कहा जाता है। लेकिन भारत में कहा जाता है कि अपराधी को भी अपनी बात को सिद्ध करने का पूरा बराबर अवसर मिलता है। यहां पे हर एक व्यक्ति जब तक सिद्ध ना हो जाए कि वो अपराधी है तब तक वो निर्दोष माना जाता है, यह है आपराधिक विधि। लेकिन कोई व्यक्ति सिद्ध हो गया वो अपराधी है, चाहे वो किसी धर्म जाति विशेष का हो, तो उसे वो दंड मिलेगा। लेकिन सिविल वाद में ये चीजें अलग हो जाती हैं। सिविल वाद में वो अपने व्यक्तिगत विधि पर्सनल लॉ से वो रूल्ड करता है। इसी चीज की समाप्ति के लिए अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 यानी कि यूसीसी का प्रावधान लाया गया है और जिसको लेकर के वर्तमान सरकार भी कार्यरत है। अब अगला सवाल आता है अनुच्छेद 45 को लेकर के। अनुच्छेद 45 ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अनुच्छेद 45 आप देखेंगे, एक्चुअली अनुच्छेद 45 का संबंध तीन अलग अलग जगहों से। एक तो खुद अनुच्छेद 45 अपने आप में एक है, दूसरा अनुच्छेद 21 ए और अनुच्छेद 51 ए के। यानी कि शिक्षा के अधिकार को जब संशोधन करके 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में जब शिक्षा के अधिकार को, जिसमें 6 से 14 उम्र के बच्चों को निशुल्क शिक्षा मिलेगी, जब यह प्रावधान जोड़ा गया 2002 में, तब एक नया अनुच्छेद 21 ए जुड़ा और उस 21 ए के जुड़ने के साथ मूल कर्तव्य में भी एक नया 11वां मूल कर्तव्य जुड़ा और अनुच्छेद 45 के शब्द को भी परिवर्तित कर दिया गया, जो कि है कि बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। यानी कि यह राज्य का कर्तव्य है कि 6 साल तक के बच्चों को, जो 6 साल तक के बच्चे हैं, क्योंकि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए तो स्कूल है ही, लेकिन जो 1 से 6 साल के बच्चे हैं उसके लिए एक उचित और एक अच्छा पर्यावरणीय माहौल उपलब्ध कराया जाए, उसे समाज के एक ऐसे वातावरण में तैयार किया जाए जब वो स्कूल जाए तो वो उन बुराइयों से दूर रहे अपने उस 6 साल तक की अवस्था में, जिससे कहा जाता है बच्चे बहुत प्रभावित होते हैं। आप भी जब भी कभी बस स्टैंड मेट्रो स्टेशन पे जाएंगे, आपको 4 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे, मतलब ये जो बच्चे जो चलने फिरने लग जाते हैं, आपको दिखेंगे स्टेशन के आसपास, मेट्रो बस स्टैंड के आसपास कुछ गलत गतिविधियों में, शायद उन्हें कुछ नशीले पदार्थ का भी लत लग चुका हो। सरकार कहती है कि हम इन 6 साल तक के बच्चों के लिए एक अच्छा माहौल उपलब्ध कराएंगे, ताकि जब ये शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े तो इनका फाउंडेशन, नींव अच्छी मजबूत हो। कहते हैं एक पेड़ के तने को मोरा नहीं जा सकता, लेकिन एक पौधे के तने को मोरा जा सकता है, क्योंकि ये 6 साल का बच्चा एक पौधा ही है जिसे उचित माहौल देना है। और ये प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 45 में। क्यों? ये अनुच्छेद 45 की शक्ति 21 ए और 51 ए के यानी कि 11वें मूल कर्तव्य से मिलता है। अब अगला जो सवाल आता है वो है
अनुच्छेद 46 को लेकर के, यह भी वर्तमान में बड़ा इंपॉर्टेंट रहा था। अनुच्छेद 46 आप सबने सुना होगा। जनरली अगर 1946 के शब्दों को देखें तो कहते हैं अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों में अभिवृद्धि। तीन चार चीजें यहां पे मैं पहले आपको क्लियर कर दूं। एक शेड्यूल कास्ट, दो शेड्यूल ट्राइब्स एंड थर्ड वीकर सेक्शन। वीकर सेक्शन किस चीज के लिए, इनके लिए कानून बनाना है एजुकेशन शिक्षा और इकोनॉमिकल, इन दो चीजों को ग्राउंड बनाया गया है कि इनका विकास ऐसे करना है। और आपने अभी रिसेंटली सुना होगा ईडब्ल्यूएस। आपको पता है ये जो ईडब्ल्यूएस का प्रावधान है जिसको कहते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनके लिए प्रावधान अनुच्छेद 46 से ही बनाया गया है। क्यों? जो ये वीकर सेक्शन है समाज का वो दुर्बल वर्ग जो या तो शैक्षणिक रूप से या आर्थिक रूप से पिछड़ा है उसको सरकार आगे ले आकर के उसके सामाजिक स्थिति में परिवर्तन लाना चाहती है। तो सरकार ने कहा ठीक है, समाज दो वर्गों में है, एक रिजर्व एक अनरिजर्व। सरकार ने कहा जो रिजर्व है जिसमें ओबीसी एससी एसटी जो जितने लोग आते हैं इनका विकास तो ठीक है, लेकिन जो ये अनरिजर्व है क्या इसके सारे लोग आर्थिक रूप से संपन्न हैं, धनी हैं, पर्याप्त संसाधन है? तो इसका आंसर है नहीं। अनरिजर्व में भी बहुत वो हैं जो शायद चाय बेच रहे हों, चाहे वो लोग होंगे जिनकी दैनिक स्थिति बहुत बदतर होगी। सरकार ने कहा इस वीकर सेक्शन में, इस अनरिजर्व में जो कि वीकर हैं, वीकर सेक्शन वो जो इकोनॉमिकली वीकर हैं, जो आर्थिक रूप से पीछे हैं उसको बाहर निकालो और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को हम तैयार करेंगे। और यहीं से अनुच्छेद 46 से ही निकल करके आता है ईडब्ल्यूएस का प्रोविजन, जो सरकार ने कानून बनाया है ईडब्ल्यूएस के लिए उसकी शक्ति अनुच्छेद 46 ही देती है कि आप इनके लिए कानून बना सकते हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन हो या शेड्यूल ट्राइब्स या ईडब्ल्यूएस, ये सारे प्रावधान अनुच्छेद 46 देता है। अब अगला एक सवाल, जो अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 47। आप लोग बहुत सारे बच्चे हैं जो कि स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल में मिड डे मील का खाना मिलता है, सरकार को मिलता क्या वो खाना देकर के आपको, या आप सिर्फ खाना स्कूल खाने के लिए जाते कि भैया चले गए स्कूल कुछ खाना मिल जाएगा, या इसलिए क्योंकि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं और उस भोजन को ग्रहण करने के बाद आपकी जो स्थिति है, आपकी जो शारीरिक स्थिति है, पोषण का जो स्तर है जिसको कहते हैं न्यूट्रिशन लेवल, जो पोषण का स्तर है उसमें सुधार होगा। देखें आप सरकार की जितनी स्कूलें हैं, जितनी सरकारी स्कूलें हैं सब में बच्चों को खाना मिलता है, और कायदे से अगर कुछ अगर राजनीतिक चीजों को हटा दें तो बच्चों का हर डे का एक मेन्यू बनता है, किस दिन दूध मिलना है, किस दिन अंडा मिलना है, किस दिन ब्रेड मिलना है। ये बात अलग है कि उनके खिचड़ियों में आज कॉकरोच परोसे जा रहे हैं, लेकिन अगर सही दृष्टिकोण से अगर उनका खाना परोसा जाए तो अनुच्छेद 47 ये सीधा कहता है कि उन बच्चों के पोषण स्तर का ध्यान रखा जाएगा, और इसके लिए सरकार मिड डे मील योजना लेकर के आई है, और ये मिड डे मील इनके इसी पोषण स्तर में सुधार के लिए लाया गया है ताकि इनका शारीरिक और मानसिक दोनों विकास हो सके। मानसिक विकास के लिए 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जरूरी है, लेकिन खाली पेट कभी पढ़ाई होगी नहीं, इस खाली पेट की पढ़ाई के लिए अच्छा न्यूट्रिशन अच्छा खाना जरूरी है, और उस अच्छे खाने की पूर्ति सरकार मिड डे मील के रूप में अनुच्छेद 47 के अंतर्गत पोषण के स्तर में सुधार के रूप में करती है। यह है अनुच्छेद 47 का सबसे बड़ा जो आधार तत्व, एक बच्चा जो अनुच्छेद में शिक्षा ले रहा है किस ए के तहत कि मेरी शिक्षा मुफ्त में है, तो वही बच्चा अनुच्छेद 47 के अंतर्गत एक अच्छा भोजन भी उसी स्कूल से ग्रहण कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 48 पे।
अनुच्छेद 48 पे। ये जितने भी डीपीएसपी हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये देख रहे होंगे हर एक अनुच्छेद कुछ ना कुछ प्रावधान करता हुआ जा रहा है, कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था कर रहा है जिससे इस देश का विकास हो सके, इस राज्य का विकास हो सके। जैसे अनुच्छेद 48 कहता है कृषि और पशुपालन का संगठन, कृषि और पशुपालन का संगठन, मुख्यतः यही लिखा हुआ है अनुच्छेद 48 में कि कृषि और पशुपालन का संगठन कर सके। अब एक बात बताइए, आपने सुना होगा कि सरकार कृषि मूल्यों को तय करती है, आपके धन जो अनाज है जब आप मंडी में बेचने जाते हैं तो उसके मूल्य को, उसके मूल्य को, दाम को सरकार तय करती है। सरकार आपके लिए बहुत सारा फ्रीजिंग सेंटर बना रही है जहां पर आपने धान को, अपने फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। सरकार आपको अपने पशुपालन के विकास के लिए सरकार आपको लोन दे रही है कि ताकि एनिमल हस्बेंड्री, मधुमक्खी पालन हो, मुर्गी पालन हो, बकरी पालन हो, चाहे जो भी हो, सरकार आपको इसके विकास के लिए आपको लोन, एक मुस्त राशि, या फिर कृषि के विकास के लिए चाहे वो योजनाएं बनाई जा रही हो, तो ये सारी व्यवस्था सरकार अनुच्छेद 48 को ध्यान में रख के कर रही है ताकि जो किसान अपने फसल को बेचने जाए उसे उचित धनराशि मिले, ताकि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके इस समाज में कि मेरे इस धान की राशि एक्स वाई जेड सरकार ने तय की है जो मेरे लिए पर्याप्त है। उसी तरीके से पशुपालन में भी सरकार पशुपालन को बढ़ाने के लिए, किसी भी प्रकार का पशुपालन हो, चाहे वो मधुमक्खी पालन हो, चाहे वो बकरी पालन हो, मुर्गी पालन हो, आप जाएं बैंक आपको लोन देगी। लोन किस लिए देगी कि सर मैं एक पशुपालन फर्म एस्टैब्लिश करने जा रहा हूं, उस फर्म में मैं मुर्गी पालूंगा। सरकार आपको लोन देती ताकि अनुच्छेद 48 के जो दो तत्व हैं कृषि और पशुपालन, इसका विकास बराबर दृष्टिकोण से हो सके। और इसी 48 में एक 48 को भी आ जाता है, 48 ए जिसको कहते हैं। 48 ए कहता क्या है? यह कहता है पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की सुरक्षा। अब देखें पर्यावरण संरक्षण, आपने सुना होगा कि सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए हैं पर्यावरण संरक्षण और दूसरा वन्य जीव संरक्षण। वन्य जीव संरक्षण आपने सुना होगा कि सरकार ने पर्यावरण के दृष्टिकोण से बचाने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत सारे कानून बनाए हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ताकि हमारे पर्यावरण का विकास हो सके, साथ ही साथ जितने वन्य जीव हैं, चाहे वो कोई भी जीव हो, चाहे शेर हो, चाहे वो मोर हो, चाहे वो हाथी हो, इनका संरक्षण जरूरी है इस देश के विकास के लिए पर्यावरणीय दृष्टिकोण से। इसकी महत्ता IUCN जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो एक सूची तय करती है जिसको आम बोलचाल में रेड डाटा लिस्ट भी कहते हैं। इस रेड डाटा लिस्ट में आप देखते हैं रेड डाटा लिस्ट कैसे बहुत सारे ऐसे वन्य जीव हैं जो विलुप्ति की कगार पे हैं और इनको इसी विलुप्ति से बचाने के लिए सरकार उनके संरक्षण का उपाय करती है ताकि भारत वो देश बन सके जो इन वन्य जीवों के संरक्षण में अपना ऐतिहासिक योगदान दे रहा है। और सरकार को यह शक्ति कहां से मिलती है? अनुच्छेद 48 क से, जो कहती है कि आप पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई ना कोई कानून बनाएं। पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है जो यूपीएससी में आए दिन इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। इसी प्रकार अनुच्छेद 49
अनुच्छेद 49 मुख्यतः कहता है जो ऐतिहासिक धरोहर है ना, राष्ट्र महत्व के जितने ऐतिहासिक धरोहर है उसका संरक्षण जरूरी है। अब जैसे कैसे, ये कौन से ऐतिहासिक धरोहर है? आपको पता होगा कि चाहे वो लाल किला आगरे का हो, चाहे वो लाल किला दिल्ली का हो, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे वो कुतुब मीनार हो, वो ऐतिहासिक प्रतीक चिन्ह है जो विदेशों से लोगों को भारत खींचता है, विदेश से भारत सैलानियों के रूप में भारत आकर के इस स्मारकों को देखते हैं, या यूं कहें टूरिस्ट स्पॉट है ये, घूमने का एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है ये। अगर कल के डेट में ये ऐतिहासिक स्थल भारत में नहीं रहेंगे तो विदेशी सैलानियों का भारत में आना कम हो जाएगा। आज जब लोग पेरिस के एफिल टावर के नीचे बैठे हों या वॉशिंगटन डीसी में बैठे हों, कहते हैं कि मैं एक बार ताजमहल के आगे एक तस्वीर खिंचा लूं, अगर वो ताजमहल की ऐतिहासिकता ही खत्म हो जाएगी तो फिर अब क्या करेंगे, फिर कौन आएगा भारत? बहुत सारे सैलानी आते हैं, चाहे वो किसी देश के राष्ट्रपति हों, चाहे वो किसी देश का खिलाड़ी हो, वो अपनी एक तस्वीर ताजमहल लाल किला वगैरह वगैरह स्थलों पर खिंचाता है और वो अपने देश जाकर के कहता है कि ये देखो भारत की खूबसूरती, यानी भारत के ये प्रतीक चिन्ह वैश्विक स्थल पर अपनी एक पहचान बनाते हैं और उनका संरक्षण बहुत जरूरी है। उनका संरक्षण भारत को वैश्विक स्थल पर एक पहचान देता है और इसके संरक्षण के लिए ऐतिहासिक स्मारक संरक्षण अधिनियम सरकार ने कानून बनाया और यह शक्ति सरकार को अनुच्छेद 49 से मिल गई। उसी प्रकार एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद 50, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 50 यह बड़ा ऐतिहासिक भी है और बड़ा विवादास्पद भी है। इसलिए अनुच्छेद 50 कहता है न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र रखना, यानी कि अगर आप मुख्यतः अगर आप देखेंगे तो एक पिरामिड है हमारे देश में, हमारी देश की शासन व्यवस्था, अगर मैं अगले पेज पे चलूं तो हमारी देश की जो शासन व्यवस्था है वो कुछ इस तरीके से चलती है। सबसे ऊपर न्यायपालिका, नीचे कार्यपालिका और यहां पे विधायिका। आपको पता होगा विधायिका का काम है विधि निर्माण करना, विधायिका का काम है विधि निर्माण करना, कार्यपालिका का काम है इन्हीं विधियों का क्रियान्वयन करना और न्यायपालिका का काम है इन्हीं विधियों का इंटरप्रिटेशन करना, इन्हीं विधियों की व्याख्या करना, और ये तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, कोई एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसे कहते हैं शक्ति पृथ्वीकरण का सिद्धांत, यानी कि न्यायपालिका स्वतंत्र है कार्यपालिका से भी और विधायिका से भी, इसे कहते हैं शक्ति पृथ्वीकरण का सिद्धांत। क्योंकि इसमें एक शक्ति संतुलन का सिद्धांत भी है जिसको कहते हैं चेक एंड बैलेंस की थ्योरी, जो कि हम आगे देखेंगे। तो यहां पे कहा गया है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र रखा जाए और यही चीज अनुच्छेद 50 भी कहती है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से स्वतंत्र किया जाए। अब सरकार ने अभी रिसेंटली एक कानून बना